गुरुग्राम के सेक्टर 109 के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कल शाम एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के छठे फ्लोर के एक हिस्से के गिरने के बाद एक के बाद एक फर्स्ट फ्लोर तक उसके नीचे के हिस्से गिरते चले गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इमारत पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 109 की रिहायशी सोसाइटी में कल शाम छत गिरने से हादसा हो गया, जहां एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की चपेट में आने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। ये लगभग 17 से 20 माले की बिल्डिंग है, जिसके छठे या सातवें फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और जिसकी छत गिरने की वजह से लगातार जो नीचे के फ्लोर्स हैं उनकी छत गिरती चली गई। कई लोग अभी भी इसमें ट्रैप हो सकते हैं, ऐसा एनडीआरएफ के चीफ का कहना है। हालांकि अभी तक एक ही कैजुअलिटी जो है वो सामने आई है। ये शाम को 6 बजे 6th फ्लोर पे लेबर काम कर रही थी, ठीक है, कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा था, जो चिंटल खुद करा रही थी उन्हीं का ए फ्लोर था, तो उसमें कुछ लेंटर में क्रैक आए होंगे, तो लेबर को पता चला, लेबर बाहर आ गई, तो वो छठवें फ्लोर का लेंटर ड्राइंग रूम का जो 1600 स्क्वायर फीट का है, पूरा फ्लोर 3150 का है, वो नीचे आ गया 5वें फ्लोर पर उसका मलबा, 5वें फ्लोर का पे आया तो वो लोड नहीं ले पाया, वो 4th पे आया, 4th वाला 3रे पे, 3रे पे 2रे पे और 1st फ्लोर पे आके वो अटक गया। ये वही पर्टिकुलर बिल्डिंग है गुड़गांव के सेक्टर 109 के डी ब्लॉक में ये हादसा हुआ है। लगभग 6:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और लोगों की माने तो, जो इस सोसाइटी में लोग रहते हैं उनकी माने तो, यहाँ पर 8 महीने पहले भी ऐसा एक हादसा हो चुका था, जिसके बाद यहाँ पर ऑडिट कराया गया। लेकिन अभी तक अगर प्रशासन और बिल्डर की बात करते हैं तो सभी लोग जवाब देने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में यह हादसा पहली बार हुआ हो, इससे पहले होने वाले किसी भी हादसे पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा आरोप यहां रहने वाले निवासी लगा रहे हैं। हमने डीटीसीपी को और उनको जो है रिक्वेस्ट किया तो और ट्वीट किया, उसको देखने के बाद मिस्टर आरएस भात वॉज काइंड इनफ, ही केम ऑन ए पर्सनल विजिट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब ये हादसा हुआ देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि हाँ इसमें कुछ प्राइमा फिसाई प्रॉब्लम्स हैं। फिर उन्होंने बिल्डर और मीटिंग बिल्डर को बुला के कहा कि इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। कि पहले भी इस तरह की बात आई है, मेरे भी संज्ञान में ये मामला आया है, इसकी भी जो जांच कमेटी होगी वो इसको भी जांच करेगी और अगर इसमें किसी के भी लैप्सेस पाए जाएंगे तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इमारत बनाने में कई तरह की खामियां हैं, जिसकी शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि सोसाइटी में कई बड़े अधिकारी भी रहते हैं। पहले एक बार छज्जे का विषय आया था, अब जो है इनका जो है इसकी जो सरिये की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, तो अब तो इसके ऊपर जो है जो जो शिकायतें हैं या फिर जो भी क्वालिटी का विषय है उसके ऊपर तो जो भी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी वो तो होनी है। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। डीसी के मुताबिक इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज में कार्यरत अधिकारी अरुण श्रीवास्तव इमारत के मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। बात की जाए प्रशासन और बिल्डर्स की, तो अभी भी लोगों की जान की जब बात आती है तो जवाबदेही की बात आती है, और जवाबदेही से अभी भी बिल्डर्स और प्रशासन बचते नजर आ रहे हैं। महिमा कटारिया, जी मीडिया, प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।